हाय फ्रेंड्स, आज मैं उत्तराखंड समान ज्ञान की कुछ प्रश्न आपके सम्मुख लाया हूँ। पहला प्रश्न है, खगमरा किला कहाँ स्थित है? उत्तर है, अल्मोड़ा जनपद में। अगला प्रश्न है, बैजनाथ मंदिर किस जनपद में है? इसका उत्तर है, बागेश्वर जनपद में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा? उत्तर, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है? उत्तर है, पिथौरागढ़ को। प्रश्न, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर बसा है? इसका उत्तर है, सरयू और गोमती नदी के संगम पर। छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? उत्तर है, नंदा देवी। सातवां क्वेश्चन है, चमाण खान गोयल मंदिर किस जनपद में है? उत्तर है, अल्मोड़ा में। बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? उत्तर है, चंपावत में। नौवां क्वेश्चन है, जॉर्जी में कौन सी नदियों का संगम होता है? उत्तर है, गौरीगंगा और काली नदी का, पिथौरागढ़ जिला में। दसवां, चंपावत में कौन सी नदी बहती है? इसका उत्तर है, चंपावती नदी। अगला प्रश्न है, चंद वंश की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है, कुंवर सोमचंद ने। बारह क्वेश्चन, सोमचंद ने चंपावत में किस किले का निर्माण किया? इसका उत्तर है, राजबुंगा किला। तेरह क्वेश्चन है, मिलम हिमनद से कौन सी नदी का उद्गम होता है? इसका सही उत्तर है, गौरीगंगा नदी का। चौदह क्वेश्चन है, रीठा साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है, चंपावत के पाटी ब्लॉक में, लधिया और रतिया नदी के संगम पर। पंद्रह क्वेश्चन है, पंचेश्वर बांध कहाँ बन रहा है? इसका उत्तर है, पंचेश्वर में, चंपावत जिले में। अगला प्रश्न है, पंचेश्वर में किस देवता का प्रसिद्ध मंदिर है? उत्तर है, चौमो देवता और शिवजी का मंदिर। प्रश्न नंबर 17 है, टनकपुर किस जनपद में है? इसका उत्तर है, चंपावत में। 18 क्वेश्चन है, राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ है? इसका उत्तर है, काशीपुर उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, 19वां, उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है, रुद्रपुर। अगला प्रश्न है, रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ है? इसका सही उत्तर है, अल्मोड़ा में। 21वां क्वेश्चन है, गेठिया टीवी सेनेटोरियम कहाँ है? सही उत्तर है, भवाली नैनीताल में। प्रश्न है, काली नदी या शारदा नदी से करनाली घाघरा नदी के मिलने के बाद इसे क्या कहते हैं? उत्तर है, सरयू। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी का क्या नाम है? उत्तर है, काली नदी, जिसे शारदा नदी भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है 24वां, रीठा साहिब में सिखों के कौन सी गुरु आए थे? इसका सही उत्तर है गुरु नानक अपनी शिष्य मर्दाना के साथ। 25वां क्वेश्चन है, काली नदी गंगा से कहाँ मिलती है? इसका सही उत्तर है काली नदी को मैदानी भागों में शारदा कहते हैं, यह घाघरा नदी से मिलने के बाद सरयू कहलाती है। यह बिहार की बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी से मिलती है। प्रसिद्ध अयोध्या नगरी भी इसी सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। धन्यवाद।